दोस्तों, अगर आपको कोई कॉल करता है और आप लोग कॉल को उठा नहीं पाते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर कॉल शो नहीं होता है, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग प्रॉब्लम है, कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताऊंगा। आपको कोई कॉल करता है और आपके स्क्रीन के ऊपर आता नहीं है, जिससे आप लोग उठा नहीं पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है किसका कॉल आया है और आप लोग उठा नहीं पाते हो, सो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस वाले प्रॉब्लम को, जो है इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग, आपके स्क्रीन के ऊपर कॉल शो नहीं होता है। सो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले आप सभी को सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप सभी को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। मैनेज नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और आप सभी को नीचे यहाँ पे ऐप्स देखने को मिलेगा, आप सभी को नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाना है, और सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट का ऑप्शन को ढूंढ लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। कॉल मैनेजमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा खुलकर आ गया। उसके बाद आप सभी को नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए, और आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल्स का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन एक डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार का, इसको आप सभी को इनेबल कर देना है। आपके फ़ोन में अगर डिसेबल होगा तो इसको आप लोगों को अलाउ कर देना है, इनेबल कर देना है। अगर आपका डिसेबल होगा इसलिए आपका जो कॉल है वो शो नहीं होता आपके स्क्रीन के ऊपर, सो आप सभी को यहाँ से इनेबल कर देना है। सो अगर आपका ये डिसेबल होगा डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार, सो इसको आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल कर देंगे सो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका इनेबल पहले से है तो कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आपका इनेबल नहीं है तो इनेबल कर देंगे, अगर इनेबल पहले से है फिर भी आपका शो नहीं होता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो आप सभी को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप सभी को देखने को मिलेगा फ़ोन का ऑप्शन, यहाँ पे आप सभी को फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप सभी को ढूंढना है। सो मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर से डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार का ऑप्शन, इसको आप सभी को इनेबल कर देना है। अगर आपका डिसेबल होगा तो आप सभी को इनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। तो सबसे पहले आप सभी को देख लेना है कि आपका डिसेबल है या इनेबल है, अगर इनेबल है तो ठीक है, अगर आपका इनेबल नहीं है तो इनेबल कर देना है। इनेबल कर देंगे उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और मैं आप सभी को एक और सेटिंग बता देता हूँ जिसको करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आप सभी को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन मैनेजर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को ऊपर देखने को मिलेगा अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको आप सभी को इनेबल कर देना है। देख सकते हैं अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको आप सभी को इनेबल कर देना है। अगर आपका डिसेबल होगा तो उसको आप सभी को इनेबल कर देना है। इनेबल कर देंगे उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी को इन सारे सेटिंग्स को कर लेना है। इन सारे सेटिंग्स को करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाने वाला है। तो जल्दी से अगर आप लोग कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।